नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा महाराष्ट्र के महाभारत का। यह महाराष्ट्र में चुनाव का माहौल है और इस समय जो है जो टिकट बंटवारा है जोरों में चालू है। बीजेपी का 99 लोगों का जो कैंडिडेट्स थे, जो लिस्ट तो बाहर आ गई, आज शिवसेना का भी आ गया है लगभग। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चर्चाएं हो रही हैं, जो महाभारत हो रहा है वो क्या हो रहा है। तो महाभारत कड़ी में पहला जो खबर है ये कि कांग्रेस ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया वाठा पर, यानी उद्धव जी के ऊपर, कि वो जो है उनकी चर्चा जो है अमित शाह से हो रही है। वो बंद कमरे में हो रही है कि कांग्रेस के साथ में हो रही है वो तो वही जाने, लेकिन ये बोल के जो है उन्होंने एक बड़ा बिगुल फोड़ दिया है। और इसका दुष्परिणाम कितना होगा ये उन्हें भी पता नहीं शायद, क्योंकि महाविकास आघाड़ी इस समय जो है बैकफुट पर इसलिए है क्योंकि कांग्रेस और उद्धव जी का जो है बिल्कुल नहीं जम रहा है सीट बंटवारे को लेकर। सीट बंटवारा किसी तरह हो भी गया तो ये सब जो बयानबाजी हो रही है उसको लेकर जो है हर कोई जो है चिंतित है कि आखिर क्या ये लोग कर रहे हैं और क्या होने वाला है। उससे इसका फायदा सीधा सीधा महायुति को होगा, नो डाउट, लेकिन जो खबरें हैं वो तो हमको बतानी ही पड़ेगी आपको। तो आज हमारा विषय यही है कि संजय राउत का और अमित शाह से क्या चर्चा हुई है, किस व्यवहार पर चर्चा हुई है, क्या सरकार चुनाव के बाद जो है जिस तरह 2019 में जैसे उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ चुनाव लड़े और जाके कांग्रेस और एनसीपी सरकार बनाए, कहीं फिर वैसे उल्टा तो नहीं होगा कि उद्धव ठाकरे जो है कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे और जाके बीजेपी के साथ बैठ जाएंगे सरकार बनाने के लिए। ये भी तो क्योंकि कांग्रेस तो डरी हुई है, क्योंकि जो बीजेपी का नहीं हुआ वो कांग्रेस का क्या होगा, वही स्थिति में चल रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे? पच्चीस साल साथ में सड़ गए वो, अब जो है थोड़ा सा वो सड़न जो है कम हो रही है ऐसा लग रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, कैसे ना सर, कि आज सुबह से नहीं, अभी 2 घंटे हो गए, अभी तो 2 घंटे से खबर चल रही है एक ही चैनल पे, सभी चैनल पे नहीं है, एक ही चैनल पे है और शाम चैनल है, तो उसके ऊपर पवार साहब का चैनल है वही बोलने वाला था मैं आपको कि पहले ये समझो कि ये चैनल किसका है। जी जी जी, वो पवार परिवार का चैनल है, तो ऐसे अफवाहें फैलाने में, रूमर्स स्प्रेड करने में उनका नंबर 1 है, बहुत रूमर गिरी करते हैं। तो सर कैसे है ना कि वो क्या न्यूज चला रहे हैं कि संजय राउत की, उद्धव की नहीं, संजय राउत की अमित शाह से चर्चा, ऐसा चला रहे। उसमें भी कैसा होता है देखो, ये पकड़े कैसे जाते हैं कि उन्होंने शुरू में ऐसा आभास निर्माण किया अपने न्यूज से, इतना ही दे रहे थे कि संजय राउत आणि अमित शाह यांची चर्चा आणि महाआघाडीसाठी मोठा धक्का, उद्धव ठाकरे भाजपबरोबर जाणार का वगैरे वगैरे। तो उसमें कैसे है ना, वो ये नहीं बता रहे थे कि संजय राउत ने किस माध्यम से, किस फोरम से अमित शाह के साथ चर्चा की। वो ऐसा दिखा रहे थे जानबूझकर कि जैसे उनकी कहीं मीटिंग हो गई, गुप्त चर्चा बोल रहे थे। तो गुप्त चर्चा जनरली गुप्त मीटिंग की ओर जाती है, तो लोगों को अभी चर्चा, तो मेरे दोस्त लोगों ने भी बोला, अनिल अभी ये वीडियो के लिए बड़ा विषय हो गया तुम्हारे लिए। तो मैंने क्या किया कि अभी शाम टीवी में भी मेरा एक मित्र, सभी टीवी में है ही अपने, तुम्हारे है मेरे, तो उसको मैंने फोन किया कि संजय का कल का पूरे दिन का प्रोग्राम मुंबई में था, और वो क्या क्या था मुझे मालूम है। अभी अपने पास दयानंद नेने आते हैं, तो उनका भी दिल्ली में बहुत सारा खासा नेटवर्क है। जी जी। तो मैं बोला, वो आए थे, तो मैं बोला कि मेरे को अमित शाह के कल के प्रोग्राम में ऐसा कहीं आपको दिखता है क्या कि वो बम्बई में है, या ये दिल्ली में तो नहीं है मुझे मालूम है, मगर वो दिल्ली में है क्या? तो अगर वो दिल्ली में है और ये मुंबई में है तो फिजिकल मीटिंग तो इम्पॉसिबल है। तो मैंने उसको बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो। बोला क्यों? मैं बोला संजय का एक एक ठावा ठिकाना मुझे मालूम है, वो मुंबई में था और ये दिल्ली में थे, मैंने कंफर्म कर दिया। भी चर्चा हो सकती है ना सर? एग्जैक्टली। तो शाम टीवी ने आइडिया ऐसा किया कि जो आभास निर्माण कर रहे थे, सर हम लोग यहाँ बैठ के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने सीधा, जैसे मेरे बात हो गई 2 मिनट के अंदर उनका टाइटल बदल गया और उन्होंने बोलना शुरू किया कि अमित शाह और संजय राउत की फोन पे चर्चा, मतलब पहले बंद कमरा बाजू में हो गया, पहले बंद कमरा बाजू हो गया, मीटिंग बाजू हो गया, क्योंकि मैंने एक्सपोज कर दिया और मैंने उसको बोला कि मैं संजय का ठावा ठिकाना पल पल का जानता हूं और वो कल मुंबई में था, उसके दिन भर फोटो आते रहते थे इसके साथ, तो ये आया वो आया, वो सब उस पे संजय रहता है, सीट बंटवारे का काम चल रहा है। हाँ, तो मैं बोला अमित शाह से मिले नहीं, तो उन्होंने फोन पे बातचीत,
अभी ऐसा है कि सिचुएशन देखो सर जी, कि ये कितना बड़ा झूठ वो बोल रहे हैं शाम टीवी वाले। मैं नाम लेता हूँ, ये लोग क्या बोलते हैं, एक चैनल क्यों एक चैनल, जो गलती कर रहे हैं उसको आप एक्सपोज कर रहे चाहिए आपको। आपने सही बोल दिया कि पवार का चैनल है, पवार साहब के परिवार का चैनल है, तो वो हमेशा ये क्या बोलते हैं ना ऐसा। लेकिन वो क्यों ऐसा फैलाएंगे, झूठ क्यों फैलाएंगे सर? झूठ फैलाएंगे नहीं तो शरद पवार का काम कैसे होगा? शरद पवार कांग्रेस और उद्धव ठाकरे में तनाव चाहते हैं ना, ऐसी बात है सर। उनका महत्व कब है कि कांग्रेस वाले शरद पवार जी को बोलेंगे कि भाई कुछ भी करो हमको पैचअप चाहिए, और उद्धव को भी अंदर ही अंदर से पैचअप ही चाहिए कांग्रेस के साथ। कल मैंने मेरे मराठी वीडियो में बोल दिया ये सब झूठ है, ये हमारे संजय राउत का स्टंट है। संजय राउत ऐसे प्रेशर टैक्टिक्स में माहिर है, और उसको क्या है ना, उसको पक्की गारंटी है कि सोनिया और राहुल उसके साथ है। वो ये तुम्हारे महाराष्ट्र के कांग्रेस लीडर उनको पूछते तक नहीं है, उनकी सलाम ईश्वर्य नहीं करते। वो सांगली में हुआ ना, अभी आज तो ये बोला भी पटोले कि सांगली का जो प्रयोग इन्होंने किया कि हाईकमान से हाथ मिला के हमको बाजू में रख के जबरदस्ती शिवसेना का उम्मीदवार दिया, उसकी पुनरावृत्ति करने की कोशिश संजय राउत कर रहे हैं, और उसमें धमकी देने के प्रयास में वो अमित शाह से भी ये कर रहे हैं इनको डराने के लिए कांग्रेस को, ऐसा बोला उनके कांग्रेस के एक ये मेरे ख्याल से वडेट्टीवार बोला। लेकिन सर कल को अगर नगर सेवक के भी चुनाव होगी तो क्या संजय राउत दिल्ली से ही बात करेंगे? नहीं, ये भी तो स्टेट का चुनाव है सर, स्टेट वालों का अगर भाव नहीं देंगे तो संजय राउत का क्या गलत है? तो स्टेट लेवल वालों को आप भाव नहीं दोगे ना? सोनिया और राउत का गलत है ऐसा बोलो ना, कि वो संजय को बोलते हैं कि हम इतनी केयर करते हैं, हम उनको पूछते ही नहीं है, गलत है, फालतू हो गए। मगर ये फिर सोनिया और राहुल अगर बोलते हैं तो संजय क्यों नहीं उसका फायदा? महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाते हो? डायरेक्ट डील करो ना, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष बनाने की जरूरत क्या है कांग्रेस को? फिर कोई तो बिठाना पड़ता है ना, इसके लिए बिठाया सर, इनको कीमत नहीं होती है। मैं एक महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का कितना दोस्त था आप जानते हो, उनका मारस पुत्र था, वो दिल्ली में उनके साथ मैं मिलने गया था पक्ष के अध्यक्ष को, सर 3 घंटे बाहर बिठाए, उनको 3 घंटे बाहर बैठे थे, मेरे को लज्जा आई। मैं बोला क्यों बैठे हो आप इधर? वो बोले यही कीमत रहती है हमारे महाराष्ट्र के लोगों की। अभी उन्होंने प्रभारी भी भेजा है चैनी थल्ला, क्या नाम है उनका, चैनी थल्ला, वो उधर को मिलके भी आया। तो जब प्रभारी है, प्रदेश अध्यक्ष है, ठीक है, अभी जैसे अमित शाह दिल्ली से आके यहाँ बैठे हैं महाराष्ट्र का पूरा सर्वे सर्वा बन के, तो राहुल जी को भी आके बैठ जाना चाहिए, यहाँ सर्वे सर्वा मैं हूँ, मेरे से बात करो डायरेक्ट। वो बात अलग है, राहुल गांधी परिवार एक अलग मेंटेलिटी का है। अमित शाह कैसे है ना, अमित शाह नेता भी है और कार्यकर्ता भी है, और भाजपा के लिए वो संकट मोचक है, और उनको मालूम है मैं अगर यूपी में नहीं जाता तो ये होता, यहाँ नहीं जाता। आज तक उन्होंने चुनाव अध्यक्ष के नाते भी जीत के दिए है ना, तो उनका वो वृत्ति है, वो गांधी परिवार अपने राजमहल से नहीं निकलता है, वो नहीं यहाँ आके बैठेंगे, वो दौरा हवाले है, हेलीकॉप्टर है, वो ऊपर ऊपर से चला जाता है, लैंडिंग नहीं होता है उसका। तो छोड़िए, नहीं नहीं, तो संजय ये सब एक तमाशा कर रहा है, ड्रामा है, पूरा पूरा ड्रामा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। ड्रामा का क्या फायदा उनको होगा, संजय राउत को? कांग्रेस की फट गई ना, कांग्रेस की फट रही है, दोनों ओर से फट रही है कांग्रेस के यहाँ के नेताओं की। एक तो उनके नेता जो है वो उद्धव और संजय के साथ है, कल अगर वो ऊपर से उनको मैसेज आता है कि कोई देना लेना नहीं है, संजय और उद्धव जितने सीटें मांगते हैं दे दो चुपचाप, मोत्या छू मोत्या गप शट अप सिट डाउन, कुत्ते जैसा पक्ष सृष्टि जो है कांग्रेस के, उनको बिहेव करते हैं। सर मैं अभी बोलता हूँ कि कांग्रेस वालों के महाराष्ट्र के हाथ में नहीं है कितना सीट लेना, वो तो उद्धव संजय और सोनिया और राहुल तय करेंगे कितनी सीटें देनी है। ये कितना भी नाचे कूदे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए है, उनको कोई पूछेगा नहीं, अरे इनमें से भी कई लोगों की टिकट काटेंगे वो। तो इस हाल में ऐसा है कि संजय बड़ा स्टैंडबाज है, मैं उसको बिल्कुल जानता हूँ, और ये बातें हमारी चर्चा में रहती है कि किस तरह से ट्रीट किया जाए, किस तरह से प्रेशर किया जाए। और सांगली के समय तो उसने मुझे बोला था, क्लियर बोला था, अनिल तू चिंता करू नको, या भिकार छोटा ना, सॉरी या भिकार यांना कोणी विचारत नाही तिकडे दिल्लीमध्ये, हे शब्द घालो मत, यांना कोण दिल्लीत विचार, हे भिकारे सारखी तिकडे दारात उभे असतात,
मी त्यांच्या समोर जातो, आत्मध्ये जाऊन सोनिया राहुलना भेटून येतो, तेव्हा 2 तास बाहेरच बसलेले असतात भिकाऱ्यासारखे. ना इनको नहीं पूछते सर क्या बोलू मैं आपको, अभी भी देखो ना राहुल और सोनिया ने कुछ बताया इसके बारे में नहीं ना. तो सर संजय ने ही ये पुडी छोड़ी नहीं है अमित शाह की जी. ये शरद पवार चाहते हैं कि कांग्रेस उबाठा को शरण में आए और मेरे को पूछे कि भाई तेरा पैचअप करा, भाई कांग्रेस मर जाएगी ना सर. अगर राष्ट्रवादी और उबाठा ने कांग्रेस को बहिष्कृत किया तो वो ऐसे ही बोल रहे हैं कि हम तैयार है 288 लड़ने के लिए. अरे तुम्हारे पिछवाड़े में दम है क्या उतना 288 लड़ने के लिए? परसों तो तुम्हारा 44 थे हैं लोकसभा में. क्या वो संविधान और ये दलित मुसलमान एक इक्वेशन हो गया करके बदल गया वो सर? लॉटरी थी इनकी, एक्सीडेंट था. ये एक्सीडेंट है, हमेशा नहीं होता एक्सीडेंट, हमेशा गाड़ी चलती रहती है. तो अभी ऐसा है कि ये शरद पवार परिवार का चैनल ये झूठ बात खबर फैला रहा है. संजय का कोई, मैं गारंटी से देता हूँ, कोई चर्चा अमित शाह से नहीं होगी, ना होगी, उसके इंटरेस्ट में नहीं. अभी बहुत देर हो चुकी सर, शिवसेना की लिस्ट आ गई, अजीत दादा की आ गई, इनकी आ गई, सीटों का बंटवारा हो गया. अभी उद्धव को जगह देने के लिए इनके पास जगह है क्या सर? दो हजार उन्नीस में जो हुआ था वो अलग है सर. आप तो बोल रहे कि शायद उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ आ जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं. कुछ भी हो सकता है, और उल्टा भी हो सकता है. अजीत दादा भी क्या भरोसा कर सकते? अजीत दादा महादादा भी जा सकते हैं, वैसे शिंदे भी जा सकते हैं. बोल तो रहा हूँ 2024 का जो रिजल्ट आएगा ना उसके बाद फिर अपन बैठेंगे देखेंगे. नहीं नहीं रोजे बैठे नहीं, वो अलग स्पेशल. उद्धव की या उबाठा की या संजय राउत की अमित शाह से कोई बात नहीं हुई है, ना होगी. अब बहुत देर हो चुकी. ये सब अफवाहें हैं. उबाठा और कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करेंगे. उबाठा के प्रेशर में, सोनिया और राहुल के दबाव में कांग्रेस झुक जाएगी. इनको जो चाहिए वो देगी. कुर करते रहेंगे, मगर चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट में उबाठा ही मार ये कहा जाएगी, भाव खा जाएगी, उनकी ही विजय होगी. चुनाव में क्या होता है वो अलग बात है. धन्यवाद सर. धन्यवाद. तो ये थी फ्रेंड चर्चा हमारी कि संजय राउत और अमित शाह की जो चर्चा थी चुनाव के बारे में वो क्या थी, क्या सही में चर्चा हुई थी, ये था हमारा विषय. आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए. देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री.